सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन जिन विद्यार्थियों का घर कॉलेज से ज़्यादा दूर है तो उनके लिए परिवहन की सुविधा कैसे प्रदान की जाएगी और कब तक? अब ये दो दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो घर कॉलेज से दूर है उसी शहर में तो मुझे लगता है कि परिवहन की फिर उतनी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने इतना विचार उस पर नहीं किया। एक ऐसा होता है कि कॉलेज से गांव दूर है और वहां परिवहन की व्यवस्था, तो उसके लिए एक योजना निश्चित सीमा तक किराया देने की राज्य सरकार की है। अभी नगर में तो ऐसी कोई व्यवस्था सोची नहीं है, अब इसको मैं तुम्हारा सुझाव मान सकता हूं तो उस पर विचार करते हैं। सर भोपाल में भी कहीं कहीं मेरे को लगता है कि तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। मुझे लगा कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ जी। अभी कोई योजना इसकी नहीं है लेकिन उस पर सोचते हैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये कि जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है परंतु कॉलेज की स्वयं के बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस भी संचालित नहीं है, तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज वेल अप टू डेट हो तो यहाँ के आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए यह वरदान की तरह हो। फाल्गुनी, आपकी बात बिल्कुल सच है क्योंकि अभी 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 इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले साल ही झाबुआ में खुला हुआ है और ये स्वयं की बिल्डिंग अभी नहीं है, लेकिन स्वयं की बिल्डिंग स्वीकृत कर दी गई है और जल्दी वो बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये बात सच है कि जब तक पर्याप्त स्थान बिल्डिंग का और बिल्डिंग का स्वरूप ऐसा नहीं होता तब तक दिक्कतें होती हैं, लेकिन झाबुआ में जल्दी ही भवन बन के तैयार होगा और उसके साथ साथ जो और भी ब्रांचेज हैं जिनकी बात आपने कही है, क्योंकि पिछले साल ही शुरू हुआ तो सब ब्रांचेज वहाँ संभव नहीं थी, आगे उसको और भी ब्रांचेज खोल के उसको पूरी बनाएंगे।